फेस। दो संख्याएं ऐसी है जिसका मध्य अनुपात 16। अब हमने कहा हम लोगों को एग्जाम में बनाना नहीं है, अंश चुनना होता है। तो मध्य अनुपात 16 होने का मतलब है कि देखिए तो इन दोनों का गुना करके स्क्वायर रूट निकालिएगा, 16 आएगा। स्क्वायर रूट 16 का मतलब गुना करने पर 256 होना चाहिए। अब 256 तो विद्यार्थी जी यहां भी आ रहा है, ये तो आने वाला नहीं है। अब यही दोनों में ना होगा, तो चलिए एक ने लिखा है 4, एक ने लिखा है 64, आया ना, और 8 और कितना है 32। अब मध्यानुपाती आपने कितना गिना जल्दी बोलिए, 16 इसका भी होगा, मध्यानुपाती 16 इसका भी होगा, क्योंकि 4 4 16 4 4 8 2 16 2 32 श्री चल रहा है कि नहीं। अब आपसे कह रहा है तृतीय अनुपाती 10 100 24, तो देखिए ये डबल हुआ डबल हुआ, तो इसका डबल अगर करिएगा विद्यार्थी जी ध्यान दीजिएगा, तृतीय अनुपाती मतलब तीसरा पद होता नहीं, इसका ये 4 गुना, तो इसका ये 4 गुना करिएगा तो 10 100 24 होने वाला नहीं, इसका देखिएगा 16 गुना, तो इसका 16 गुना करिएगा तो 10 100 24 आ जाएगा। अर्थात आपका आंसर जल्दी बोलिए कितना होगा, हा या ना, बोलते ही नहीं, फिर से सीखिएगा, जो भी 20 पूछे और सीखेंगे फिर से। मैंने कहा मध्यानुपाती 16 पहले चेक कीजिए कि किसका मध्यानुपाती 16 आएगा, तो 4 × 32 = 16 होगा क्या, तो बोलिएगा नहीं होगा, है ना होगा। 8 × 64 करिएगा 512 = 16 होने वाला नहीं, है ना है। अब 4 × 64 करिएगा तो 64 × 4 256 का वर्गमूल 16 बिल्कुल सही। 8 × 32 भी करिएगा 256 का वर्गमूल 16 बिल्कुल सही। अर्थात आपकी दो ऑप्शन बच गई, कौन कौन, 4 64 और 8 32। अब तृतीयानुपाती पढ़े आप लोग b² / a, तो 32 × 32 / 8 = 10 124 आया क्या जल्दी देखिए, तो बोलिए 10 124 आने वाला नहीं, अर्थात ही कैंसिल। यहां देखिए 64 × 64 / 4 देखिएगा 10 124 आ गया, अर्थात आपका आंसर कौन सही है जल्दी बोलिए। मध्यानुपाती कितना होना चाहिए, 12, यानी गुना करने पर 144, इन दोनों को 144 आने वाला नहीं, यहां भी 144 आने वाला नहीं। अब यही दोनों में कोई होगा, इसका भी मध्यानुपाती 12 आएगा, इसका भी मध्यानुपाती 12 आएगा, लेकिन तृतीयानुपाती कितना होना चाहिए, 768। तो देखिएगा विद्यार्थी जी इसका ही 16 गुना, तो आगे भी 16 गुना करेंगे, 16 गुना करके देखिएगा क्या ये 768 आ रहा है, तो देखेंगे बाद में। इसका ही देखिए कई गुना, तो आगे अगर 4 गुना करेंगे विद्यार्थी जी ती तो आने वाला ती है ये नहीं, तो आंसर बी ना होगा। कंसेप्ट क्लियर कीजिए, इसका ही 16 गुना तो आगे भी 16 गुना, अब 16 गुना होगा तो 768 आ जाएगा, लेकिन यहां 4 गुना है तो 4 गुना होगा तो 768 आने वाला नहीं, अर्थात आपका आंसर कौन हो जाएगा, बी। आशा करें समझ में आ गया होगा। चलिए तो बी से कहे सेम है विद्यार्थी जी, 22 भी वही है, इसलिए अब ज्यादा तक नहीं होना चाहिए, आप लोगों से बन जाना चाहिए नहीं। मध्यानुपाती 8 का मतलब गुना करने पर 64, इसका गुना करने पर 64 होने वाला नहीं है, है ना, बोलिएगा इसका 64 आ रहा है, तो भाई 64 आ रहा है तो रेशियो तो एक एक में जा रहा है, तो मध्यानुपाती तृतीय अनुपाती दोनों 8 8 रहेगा तब नहीं होगा, ये 8 है बीचे में भी 8 है आगे भी 8 है, तो आगे भी तो 8 ना चल जाएगा, इसलिए ही होने वाला नहीं। आगे इन दोनों को गुना करेंगे 64 होने वाला नहीं, अर्थात आपका आंसर कौन होगा। हालांकि आप तृतीय अनुपाती भी चेक कर लीजिए, इसका ही कई गुना, आगे भी 4 गुना करिए 64 देखिए तो तृतीय अनुपाती है,
एक व्यक्ति कुछ कल में एबीसीडी में बांटा गया अनुपात भिन्न के रूप में, तो सबसे पहले हर कैल्शियम से, तो हर कैल्शियम जल्दी बोलिए 60 तो हो जाएगा 20 15 12 10 आया ना। अब रुकिएगा, कम से कम का मतलब विद्यार्थी जी पूर्ण संख्या में इससे छोटा होने वाला नहीं है, तो टोटल कलम कम से कम कितनी होनी चाहिए 20 10 30 15 35 और 12। तो जब भी कलम 47 या 47 के मल्टीपल में होगा तभी इस रेशियो में बटेगा। 57 आ रहा है, जब भी कलम 57 या 57 के मल्टीपल में रहेगा तभी इस रेशियो में बटेगा, नहीं तो कलम को तोड़ के बांटना पड़ेगा। क्या तोड़ के बटता है कलम? इसका मतलब कम से कम कलम कितना चाहिए? अगर कहता कलमों की संख्या तो आपका आंसर होता 57 का मल्टीपल, लेकिन कम से कम तो 57 का पहला मल्टीपल कौन होगा? 57 गुने 1, दूसरा मल्टीपल 57 गुने 2, तो सबसे कम मतलब कितना? अगर पूछता दूसरा सबसे कम कलम तो 57 गुने 2 यानी 100, नहीं समझे? तो सबसे कम कलम कितना हो जाएगा? पढ़े आगे, अगर इसी में पूछ देता वह चार अंकों की संख्या होना चाहिए तो 57 को इतना से गुना करिए कि कई अंक में पहुंच जाए, चार अंक। सीखिएगा, ए का हिस्सा बी और सी के हिस्से का 1/3, ए का हिस्सा बी और सी के हिस्से का 1/3 मतलब 3 तो ही 1। आगे बी का हिस्सा ए और सी के हिस्से का, बी का हिस्सा ए और सी के हिस्से का 2/3। अब दोनों रेशियो में कोई संबंध ढूंढ लीजिए, क्या होना चाहिए? ऊपर भी एबीसी नीचे भी एबीसी, इतना जोगफल ऊपर उतना ही जोगफल, पढ़े हैं? अब देखिए यही चीजें कम से कम तो आपको मेरे यहां 1000 बार आएगा। अब 1000 बार में याद रहेगा कि नहीं? अभी तो 10 बार आया होगा, 10 बार आ गया होगा, नहीं? चलिए तो जोगफल सेम कर लीजिए पहले, ऊपर जोगफल सेम करने के लिए कैसे गुना 5 से नीचे। अब रुक जाइएगा, ए का मान कितना हो गया, बी का मान, अब बच गया सी के 15 में से, बी और सी में बी का 8 घटा दीजिए, सी का 7 हो जाएगा, या तो 12 ए और सी है तो ए और सी में ए का 5 घटा दीजिएगा, सी का निकल जाएगा। अब रुकिएगा, 3000 रुपया को बांटा गया, नहीं 3000 टोटल ना, यहां टोटल जोड़ दीजिए 20, टोटल का तुलना टोटल से, निकालना किनका, कैसे गुना? अब देर किस बात का, आप लोग हल कर लीजिएगा, हाँ या ना? अर्थात 1050। एक थैले में 1 रुपये 50 पैसे 10 पैसे के सिक्कों की संख्या का अनुपात दिया हुआ है, सिक्कों की संख्या का अनुपात दिया हुआ है, थैले में कुल मूल्य 11 रुपया है। क्या दिया हुआ है? मूल्य दिया हुआ है, तो जाहिर सी बात है इसको मूल्य में बदलेंगे, लेकिन लिखना नहीं है, लिखेंगे तो स्पीड मेरा घट जाएगा। तो सीखिएगा, 1 रुपया के 4 सिक्का मतलब 4 रुपया, 50 पैसा के 2 अठन्नी 1 रुपया, तो 4 और 1 5, और 10 पैसा के 5 सिक्का 50 पैसा नहीं 5 रुपया। हम मूल्य का तुलना मूल्य से क्यों चेंज किया मूल्य में, जल्दी जवाब दीजिए, क्योंकि ये मूल्य दिया हुआ है तो इसको भी किस में चेंज करना होगा, मूल्य में। बहुत सारे सोचेंगे 11 टोटल है, यहाँ टोटल है 5, 4, 9, 2, 11, 11 का तुलना तो गड़बड़ ना हो जाएगा, ये रुपया है तो इसको भी किस में बदलेंगे। तो बोलिएगा सर ये रुपया नहीं है, मैंने कहा देखो भाई सिक्कों की संख्या का अनुपात, तो संख्या मतलब तो नंबर ना हो गया, तो 4 सिक्का मतलब 4 रुपया, 2 अठन्नी 1 रुपया, 5 दसने की 50 पैसा अर्थात टोटल 5 रुपया 50 पैसा, टोटल का तुलना टोटल से। अब जिसे निकालना उसे गुना करिए, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कैगो 2 गो, अगर मूल्य कहता तो 2 सिक्का मतलब 1 रुपया, लेकिन संख्या पूछ रहा है, नहीं कैसे गुना,
अब देखिए पूरे दो बार में कट रहेगा, अर्थात आंसर हो जाएगा कितना, आसान आंसर है, इसी को हम लोग क्वेश्चन नंबर एक हो गया। अब बताओ इससे ज्यादा मेहनत पहले लग रहा था कि नहीं। फिर से कुल मूल 120 रुपया है, यहां टोटल मूल देखिएगा विद्यार्थी जी, संख्या का अनुपात है यानी किसमें बदलेंगे मूल में, दो सिक्का 2 रुपया, 3 अठन्नी 1.5 रुपया, तो 2 और 1.5 1.5 समझते हैं, बहुत सारा नहीं समझते हैं, बहुत सारे सीबीएसई वाले बच्चे 1.5 नहीं बन समझते है ना, 1.5 का मतलब 1 रुपया और 50 पैसा, तो 2 रुपया 1 रुपया 50 पैसा हो गया 3.5, अब 5 10 नहीं की 50 पैसा, तो 3.5 और 50 कितना, अब मूल्य का तुलना मूल्य से निकालना है 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कैसे गुना। अब आप ही बताइए किनको नहीं समझ में आएगा, इससे आसान जीके भी है जी। यदि आप घर बैठे अपनी परीक्षा की अच्छी तैयारी करना चाहते हैं तो प्ले स्टोर से स्टडी ट्रेंड ऐप को डाउनलोड करें।